सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि पबजी कितनी ज़्यादा फेमस गेम है अगर मैं स्पेसिफिकली अपने इंडिया की बात करूं। बट यहाँ पे अब एक और गेम निकलकर सामने आ रही है जो भी ऑलमोस्ट बैटल ग्राउंड जैसी है, उसका नाम है फोर्टनाइट। सो आपने यहाँ पे सुना होगा कि जो रेडमी नोट 7 प्रो है वो फोर्टनाइट को सपोर्ट नहीं करता, और जो रियलमी 3 प्रो है उसका काफ़ी एडवर्टाइज़ किया जा रहा है कि वो फोर्टनाइट को सपोर्ट करता है। हालांकि यहाँ पे ऐसा भी सामने आया था कि जो रियलमी के CEO हैं वो वहाँ पे अपने रियलमी 3 प्रो में जो हैं फोर्टनाइट को खेल रहे हैं, और उनका स्टेटमेंट में ऐसा लिखा था कि बाकी जो इस बजट में आने वाले फ़ोन्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते, और इमेज में जो सामने था रेडमी नोट 7 प्रो का बॉक्स रखा हुआ था। लेकिन आज हम इस वीडियो सेशन में बात करेंगे, क्या ये एक्चुअल सच है कि रेडमी नोट 7 प्रो में फोर्टनाइट सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, अगर नहीं करती है तो वो कब तक आपको ऑफिशियली मिल जाएगी। सो देखते रहिए इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो रहने वाली है अगर आप रेडमी नोट 7 प्रो के यूज़र हैं या उसको लेने का प्लान कर रहे हैं। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना अगर आप इस चैनल पर नए हो, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशन के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। सो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर फोर्टनाइट को एक फ़ोन पे सपोर्ट करना है तो उसके लिए बेसिकली क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। सिंपल सी बात बताऊं तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपके फ़ोन में जो GPU है वो 530 से ऊपर का GPU है तो आपके फ़ोन में ऑब्वियसली फोर्टनाइट सपोर्ट करेगी। अब यहाँ पे आपको रेडमी नोट 7 प्रो में मिलता है 6112 GPU, बट फिर भी उसमें अभी तक सपोर्ट क्यों नहीं है फोर्टनाइट की? उसका रीज़न ये है कि जो स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर है वो अभी तक US में लॉन्च नहीं हुआ है, और सबसे बड़ी बात Redmi Note 7 Pro सबसे पहला डिवाइस है थ्रू आउट द वर्ल्ड जो इस प्रोसेसर को यूज़ कर रहा है। तो ये जो प्रोसेसर है ये अभी Epic Games ने अपनी Fortnite के लिए टेस्ट नहीं करा है। ये तो श्योर है कि इस फोन में Fortnite श्योरली चलेगी, क्योंकि 675 प्रोसेसर जो है वो बहुत दमदार प्रोसेसर है, और GPU जो है वो 612 का है जो 530 से बहुत आगे है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि Xiaomi इसके लिए क्या स्टेप्स ले रहा है जिसे आपके Redmi Note 7 Pro में बहुत जल्द आपको Fortnite का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली चीज, वो Epic Games वालों के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं ताकि वो 675 पे इस गेम को टेस्ट करें और सर्टिफाइड करें Redmi Note 7 Pro को और इस प्रोसेसर को कि इस पे सपोर्ट करती है गेम। उसके बाद Redmi Note 7 Pro में आपको जल्द ही Fortnite का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी चीज़, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो दमदार है, GPU दमदार है। इट विल हार्डली टेक मच टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बट आपको ज़रूर ये OTA अपडेट के ज़रिए इसका सपोर्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि बेसिकली जब Realme के CEO ने ये पोस्ट डाला था तो उसके रिप्लाई में MI वालों की पोस्ट ये आई थी कि जो Snapdragon 710 है जो Realme 3 Pro में यूज़ किया जा रहा है, जो स्नैपड्रैगन 710 है वो MI ने आज से एक साल पहले यूज़ किया था। आपको पता होगा MI का 8SE फ़ोन लॉन्च हुआ था जिसमें उन्होंने स्नैपड्रैगन 710 का यूज़ किया था, यानी आज से एक साल पुराना लॉन्च प्रोसेसर आपको Realme 3 Pro में देखने को मिलेगा, जबकि Redmi Note 7 Pro में जो प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है वो 675 है, और वो बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च प्रोसेसर है। ऑल दो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं दोनों प्रोसेसर्स में, ऑब्वियसली कुछ एरियाज में 710 बेहतर है और कुछ एरियाज में आपका 675 प्रोसेसर है, लेकिन अगर आप एंटूटू स्कोर्स देखोगे तो उसमें 675 आगे निकल जाता है। लेकिन ऑब्वियसली दोनों प्रोसेसर्स में आपको डे टू डे लाइफ में या गेमिंग के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे, ये जस्ट एक दूसरे फोन को कॉम्पिटिशन देने के लिए बातें की जाती हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप Redmi Note 7 Pro लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इस रीजन के पीछे कि उस पर फोर्टनाइट नहीं चलती, प्लीज उसको मत छोड़ना, बहुत बढ़िया फोन है ओवरऑल अगर मैं फोन की बात करूं। बट अगर आप Realme 3 Pro भी लेना चाहते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील, वो भी एक बहुत अच्छा फोन होगा, बहुत अच्छा फोन है वो, और दो दिन में लॉन्च होने ही वाला है तो उसके बाद हमें ज्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। सो दोनों फोन बहुत अच्छे हैं, Realme 3 Pro आउट ऑफ द बॉक्स आपको फोर्टनाइट का सपोर्ट देगा, लेकिन Redmi Note 7 Pro भी इस चीज में पीछे नहीं रहने वाला, उसमें भी आपको फोर्टनाइट की सपोर्ट जल्द ही देखने को मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर दीजिए, नो इश्यूज़। ऐसी और वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हो और यहाँ आपको मेरे प्रेजेंट करने का वे पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशन के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।